वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज सचिन जैन फ्रॉम पॉजिटिव वाइब्स यूट्यूब चैनल। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं खजियार पहुंच के आपको अपने हॉलीडे का अपडेट भी दूंगा और आपको कुछ खजियार के बारे में बताऊंगा भी। तो राइट नाउ मैं खजियार के वर्ल्ड फेमस ग्राउंड के अंदर घूम रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा व्यू मैं अपना वीडियो बनाते हुए भी दिखा दूँ। हालांकि सारी जगह मैंने घेर रखी है, लेकिन इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द ग्राउंड और उसके किनारे पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं जो कि सदियों पुराने हैं, आप वो भी देख सकते हैं। राइट इन द मिडल ऑफ दिस ग्राउंड बहुत बड़ी एक लेक है, ऑल दो इट इज़ नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड बट इट इज़ ऑफ वेरी हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंस। ऐसा लेजेंड में माना जाता है कि ये खजी नाग देवता की लेक है, मोर देन 800 ईयर ओल्ड खजी नाग देवता का यहाँ पे टेंपल भी है। और इस लेक का पानी ऐसा माना जाता है कि द नेचुरल सोर्स इज़ फ्रॉम विद इन द लेक इट्सेल्फ। और ड्यूरिंग द सीज़न, अभी सीज़न पूरा शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मैं मार्च के महीने में यहाँ पर आया हूँ। द सीज़न विल स्टार्ट राइट फ्रॉम मे कंटिन्यूइंग इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। तो उस टाइम पे बहुत रश हो जाता है टूरिस्ट का यहाँ पे, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस और ट्रैंक्विलिटी है और द एयर इज़ वेरी फ्रेश। मैंने एक वार्म स्वेटशर्ट पहन रखी है, नीचे से वार्मर भी पहन रखा है मैंने तो एज एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। और यहाँ पे धूप भी मेरे को अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है यहाँ घूमने में, बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड है, वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल आर हेयर। राइट नाउ जो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना होने की वजह से यू गेट द बेस्ट ऑफ द सर्विस। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट कम एट दिस टाइम विद फैमिलीज बिकॉज अभी एग्जाम्स चल रहे होंगे आपके बच्चों के। दिस प्लेस, यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है विच सेज कि दिस प्लेस इज नोन एज द मिनी स्विट्ज़रलैंड। ऑल्दो मैं इस कंपैरिजन को ज़्यादा अच्छा नहीं मानता दोस्तों, क्योंकि हमारे हिमालयस की अपनी ब्यूटी है। सो लेट अस नॉट कंपेयर आर ओन थिंग्स विद ऑल थिंग्स वेस्टर्न, लेट अस नॉट रिड्यूस द इम्पॉर्टेंस ऑफ व्हाट वी हैव। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये एरिया जो है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट। ऑल्दो थोड़ा सा ऑफ सीजन में अगर आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इफ़ यू आर ए फैन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो फिर आप फुल सीज़न में मत आइएगा, थोड़ा सा आगे पीछे करके। जैसे 15th ऑफ जुलाई से लेकर 31st ऑफ जुलाई इज़ अ टाइम व्हेन बच्चों का आपके हॉलीडेज़ भी होंगे और यहाँ पे थोड़ा सा रश कम हो जाएगा, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू कैन कम हेयर। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, एक नई एक्टिविटी मैंने इस बार देखी, यहाँ पे बच्चों को बड़ी शॉर्ट सी पैराग्लाइडिंग करवाते हैं, फिर यहाँ पे जॉब बॉल्स हैं जिसके अंदर बैठ के बच्चे इवन एडल्ट्स कैन गो एंड स्पिन अराउंड, वो भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। बोटिंग की प्रोविज़न कभी हुआ करती थी इस छोटी सी लेक के अंदर, लेकिन इस टाइम पे बोट्स नहीं चल रही हैं, कोई बोट्स नज़र भी नहीं आ रही है मेरे को। एंड देन देयर इज़ अ रेस्तरा, आई ट्राई एंड गिव यू द व्यू ऑफ द रेस्तरा। सो राइट नाउ यू कैन सी ऑन माई शोल्डर देयर इज़ अ बिग बिल्डिंग, काफ़ी दूर है मैं क्योंकि ग्राउंड के सेंटर में खड़ा हुआ हूँ, तो वो बिल्डिंग जो है वहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ रेस्तरा है जहाँ पे अच्छी सर्विस फूड मिल जाता है आपको, इंडियन फूड चाइनीज़ फूड की चॉइस है, मिनरल वाटर एंड एवरीथिंग। देन हॉर्स राइडिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ अवेलेबल हेयर, यहाँ पे कई लोग रैबिट्स लेके घूम रहे हैं और कहते हैं 20 रुपीज़ पर पर्सन दे चार्ज यू, यू कैन क्लिक विद योर मोबाइल और कैमरा एन नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स सो दे डोंट माइंड इट। ओवरऑल यू कैन स्पेंड योर डे हेयर, मज़ा आएगा आपको। दिस इज़ अराउंड 22 किलोमीटर्स फ्रॉम डलहौजी, अभी आज पहुँचने में मेरे को ऑलमोस्ट एक घंटा लग गया 22 किलोमीटर्स की जर्नी में, बिकॉज स्नोफॉल होके हटी है, मतलब बर्फ़ अब पिघल रही है, अभी तो नहीं हुई स्नोफॉल एग्जैक्टली, बर्फ़ पिघल रही है, रोड के दोनों तरफ स्नो थी काफ़ी और उसकी वजह से रोड्स काफ़ी टूटी थी। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू ड्राइव योर ओन कार, यू कैन नॉट डू द सेम थिंग्स विच यू कैन डू इन प्लेन्स, यू हैव टू ड्राइव केयरफुली एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो एंड प्रोटेक्ट द अदर पीपल ऑल्सो, दूसरे को भी खुद ही बचाना है दोस्तों, खुद को भी खुद ही बचाना है। ईगो का यहाँ पे 1% भी ना तो चांस है ना मतलब है, क्योंकि जान है तो जहान है। सो दोस्तों ये था मेरा अपडेट आपके लिए खजियार से, खजियार इन हिमाचल प्रदेश। आगे कोशिश करूँगा और ऐसे अपडेट्स आपको देता रहूँ अपनी लाइफ के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, लीडरशिप के बारे में, टूरिज्म के बारे में, अलग अलग मुद्दों पे आपसे बात करता जाऊँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन माई वीडियोज़, एंड इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल पॉजिटिव वाइब्स बाय सचिन जैन। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।